लवली कुक विद लवली में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं फूली फूली पालक की पूड़ी। चलो बनाना शुरू करते हैं। पालक की पूड़ी बनाने के लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी, पानी को ढककर बॉयल आ जाने देंगे। देखिए यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और यहाँ पर डालेंगे 200 ग्राम पालक। इसको साफ करके अच्छे से धो लिया है, डाल देंगे 200 ग्राम। इसको ढक देंगे और 1.5 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, पालक अच्छे से पक चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको छलनी में निकाल लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर पालक को छलनी में निकाल लिया है, इसको हम ठंडा हो जाने देंगे। देखिए यहाँ पर पालक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। और हम इसी के साथ डालेंगे 2 हरी मिर्ची और डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियां। इन सभी का हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर पालक का पेस्ट बना लिया एकदम फाइन। अब हम यहाँ पर लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा, ये छना हुआ है, ये 1/2 कप, और हम आटे में डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, इसको क्रश करके डाल लेंगे। और हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और डालेंगे 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1 पिंच हींग। इन सभी को मिक्स कर लेंगे आटे में। अब देखिए हमने यहाँ पर मसाले को मिक्स कर लिया आटे में। अब इसमें डालेंगे पालक का पेस्ट, ये सारा डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसमें हमें पानी का यूज नहीं करना है। देखिए हमने यहाँ पर डो लगाकर तैयार कर लिया है। डो को हमें टाइट लगाना है, मुलायम नहीं लगाना है। अब इसको हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। ये हमने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया, रिफाइंड ऑयल। देखिए यहाँ पर
आटे को रख के 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और हम इसको चिकना कर लेंगे। अच्छे से हम चिकना कर लेंगे आटे को। देखिए हमने यहाँ पर आटे को चिकना कर लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। इस तरीके से हम सारी लोइयाँ तैयार कर लेंगे बनाकर। देखिए इस तरीके से सारी बनाकर तैयार कर लेंगे हम। देखिए हमने यहाँ पर सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम लेंगे एक चकला, इस पे रखेंगे ये लोई, इसको हम बेल लेंगे। ना ही ज़्यादा मोटी करेंगे ना ही पतली, इसको हम प्लेट पर रखते जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी वाली लेंगे, इसको ही बेल लेंगे। इसको हमें किनारों से बेलना है। देखिए इस तरीके से ऐसे ही हम बेल बेल कर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 4 पूड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम तल लेंगे ऑयल में। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे पूड़ी, इसको हम हिला देंगे। देखिए पूड़ी हमारी फूल चुकी है, इसको हम पलट कर भी सेक लेंगे। ये दोनों तरफ अच्छे से सिक चुकी है, अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम ये दूसरी वाली सेक लेंगे। देखिए ये भी फूल चुकी है अच्छे से, इसको भी हम पलट देंगे। ये दोनों तरफ अच्छे से सिक चुकी है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सभी पूड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर गर्मा गर्म फूली फूली पालक की पूड़ी बनकर तैयार है। आप इसको चटनी या अचार के किसी के साथ भी खा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।